आज हम बनाएंगे भिंडी की एकदम नई रेसिपी जो खाने में बहुत टेस्टी लगती है और ये फटाफट से बन करके रेडी हो जाती है। हेलो दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। भिंडी की रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे 300 ग्राम भिंडी, जिसे हम धो करके अच्छे से साफ कपड़े से पोंछ लेंगे। भिंडी एकदम सूखी होनी चाहिए। अब एक भिंडी हम इस तरीके से लेंगे हाथ में और उसके दोनों साइड से किनारे कट कर लेंगे। अब हम भिंडी को बीच से चीरा लगा देंगे। चीरा लगाने के बाद हम चेक कर लेंगे कि भिंडी अंदर ख़राब तो नहीं है। अब इसे हम साइड कर लेंगे और इसी तरीके से सारे भिंडी को हम चेक करके कट कर लेंगे। ये देखिए, मैंने सारे भिंडी को काट लिया है। अब इन्हें हम कर देते हैं साइड। अब हम लेंगे एक प्लेट। प्लेट में हम सबसे पहले लेंगे 1.5 चम्मच धनिया पाउडर। अब हम लेंगे 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। अब इसमें लेंगे 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। अब लेंगे हम 1 चम्मच नमक। नमक आप अपने स्वाद अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 चम्मच हम लेंगे भुना हुआ जीरा का पाउडर। अगर जीरा का पाउडर ना हो तो जीरे को आप भून करके पाउडर बना सकते हैं। अब 1 चम्मच हम लेंगे किचन किंग मसाला। उसके बाद हम लेंगे 1/4 चम्मच हींग। अब हम लेंगे 1/2 चम्मच आमचूर पाउडर। अब हम लेंगे 1 चम्मच दरदरा कुटा हुआ सौंफ, जिससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब हम लेंगे 1 चम्मच लहसुन मिर्ची का कुटा हुआ पेस्ट, दरदरा सा। अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ताकि लहसुन और मिर्ची मसाले के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखिए, मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब हम लेंगे भिंडी। अब इस तरीके से हम थोड़े थोड़े मसाले इसमें भर देंगे। ये देखिए, अब इसे कर देते हैं साइड। अब एक और भिंडी आपको मैं भर करके दिखाती हूँ। ये देखिए, अब हमारी दूसरी भिंडी में भी मसाले भर करके रेडी हो चुका है। अब इसी तरीके से हम सारे भिंडी में मसाले भर करके तैयार कर लेंगे। ये देखिए, मसाले भरने के बाद थोड़े से मसाले बच गए हैं। अब हम लेंगे एक पैन। पैन में हम लेंगे 2 चम्मच सरसों का ऑयल। आप चाहें तो दूसरा ऑयल भी ले सकते हैं जो आप खाते हो। गैस का फ्लेम रखेंगे लो और एक एक करके सारी भिंडी हम इसमें डाल देंगे। सारी भिंडी डालने के बाद इसे हम ढक करके लो टू मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे 2 से 3 मिनट तक। 2 से 3 मिनट बाद ढक्कन हटा लेंगे। देखिए, भिंडी अच्छे से पक रही है धीरे धीरे। अब इसे हम स्पैचुला की मदद से या चम्मच की मदद से पलट लेंगे। इसे एकदम आराम आराम से पलटना है ताकि ये टूटे नहीं। ये देखिए, सारे भिंडी को मैंने पलट लिया है। अब इसमें हम बचे हुए मसाले को भी डाल देंगे। उसके बाद एक बार हम इसे और चला लेंगे। अब इसे ढक कर के हम लो फ्लेम पे 4 से 5 मिनट पका लेंगे। 4 से 5 मिनट बाद ढक्कन हम हटा लेंगे। देखिए, भिंडी अच्छे से पक चुकी है। अब इसे हम कर देंगे सर्व। ये बहुत टेस्टी लगती है। आप इसे पराठे के साथ खा सकते हैं, रोटी के साथ खा सकते हैं, दाल चावल के साथ तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगी ये सब्ज़ी। आपको ये भिंडी की रेसिपी कैसी लगी, आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो मुझे सपोर्ट करने के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए।